हे एवरीवन, मैं हूँ सावित्री और आप देख रहे हैं राधा की रसोई बाई SJS। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ कच्चे आम की दो ही बहुत ही अलग तरीके की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी को राधे राधे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं मेरे तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर टोटल 1 kg आम लिए हुए हैं और एक कच्चा आम है, तो टोटल 1 kg है। तो इसमें से मैं दो रेसिपी बनाऊंगी। तो यहाँ पर सारे आम को धो करके साफ कर लेंगे सबसे पहले, और इस टाइम मार्केट में बहुत ही हरे भरे आम आ रहे हैं कच्चे, तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, बहुत ही इस रेसिपी स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पर सारे आम को निकाल लेंगे और इसको कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। तो सारे आम को पोंछ करके सुखा लेंगे अच्छे से। और इस आम में थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा बीज नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट ही है, और ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा चाकू की मदद से काट देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे आम को ऐसे ही काट देंगे और दो आम इसमें से अलग करेंगे दूसरे वाली रेसिपी के लिए। और टोटल 600 ग्राम से बना रहे हैं ये आम वाला छुंदा बनाएंगे आज, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा फ्रेंड्स। तो एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे टोटल 600 आम बचा हुआ है, 400 ग्राम आम अलग कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा मेजरमेंट का। तो यहाँ पर छिलके को रिमूव कर देंगे अच्छे से इसको, और आम थोड़ा सा मीठा रहेगा तो भी चलेगा, थोड़ा खट्टा रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि आम का छुंदा हो या लौंजी हो, थोड़ा सा खट्टी मीठी ही स्वादिष्ट लगती है, तो इसलिए थोड़ा खट्टा आम भी रहेगा तो चलेगा। यहाँ पर मेरा जो आम है वो मीडियम खट्टा है, थोड़ा सा मीठा, खट्टा मीठा जो होता है वही वाला आम है। बाकी आपके पास जो भी अवेलेबल हो उससे बना सकते हैं आप इस छुंदे को, और एक दिन बना करके इसको महीनों तक खा सकते हैं फ्रिज में रख करके। और फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो अब सारे आम को यहां पर ग्रेट कर लेंगे, जो मीडियम वाला होल है, पतला वाला, उसी से ग्रेट करना है, बहुत ज़्यादा मोटे वाले से नहीं करना है। आप कर भी सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मुझे बारीक बारीक अच्छा लगता है, इसलिए बारीक वाले से आज कर रहे हैं। तो सारे आम को ग्रेट कर लिए हुए हैं, इसके लच्छे आप देख सकते हैं कि बहुत ही पतले पतले हैं। और फ्रेंड्स, मीठे के लिए इसमें डालेंगे 300 ग्राम गुड़ है ये, तो गुड़ से इसका बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। आप चाहें तो बस गुड़ या बस चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 300 ग्राम गुड़ ली हूँ और 150 ग्राम मतलब 150 ग्राम चीनी है। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो किसी एक से भी बना सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको साइड रख देंगे मिला करके, और इसके लिए थोड़ा सा चटपटा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मेथी दाना डालेंगे इसमें, और सारे चीज़ को लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि मसाले में सौंधापन आ जाए। और फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना है, इसे लो फ्लेम पे ही भुनेंगे। 2 से 3 मिनट में ये अच्छी तरह से भून करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि मसाले में कलर भी आ चुका है और इसमें से खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है, मसाला भुन चुका है। और ये मसाला मैं दोनों रेसिपी के लिए तैयार कर रही हूँ, किसी एक रेसिपी के लिए नहीं है। तो यहाँ पर अब चढ़ाएंगे इसको गैस पर, और गुड़ और चीनी को मेल्ट होने देंगे थोड़ी देर तक। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि गुड़ और चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो रहे हैं, थोड़ी ही देर में ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएंगे। और अभी गैस का फ्लेम हाई रखे हुए हैं, और फ्रेंड्स, गुड़ की वजह से इसका कलर बहुत ही प्यारा आता है। तो यहाँ पे गुड़ और चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं। अब गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू लो कर देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे।
और फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा कलर आया हुआ है। तो ये रेसिपी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बनती है, तो मैं कई बार कह चुकी कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पर मसाले भी ठंडा हो गए हैं, तो इसे भी थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस इतना ही दरदरा रखना है इसको, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक छुंदा पक चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून प्लेन नमक है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, कलर के लिए पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहें तो ही इसे ऐड करें वरना स्किप कर दें। जो मसाला पीस कर रखे थे 1 टीस्पून मसाले को ऐड किए हुए हैं, 1 चम्मच ही इसे डालना है, इसे ज़्यादा मसाले को नहीं डालना है इसमें। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से ग्रेवी कितना चाहिए इसकी, पतली गाढ़ी जैसा भी पसंद हो, चटनी छुंदा उतना आप रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आज ठीक ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करूँगी। इसको चलाते हुए 5 से 6 मिनट पक चुका है, 1 से 2 मिनट इसे और पकाएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और भी ठीक होगा, इसलिए अब यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको रख देंगे साइड। और फ्रेंड्स अब यहाँ पर 2 आम जो बचा कर रखे थे, इससे इंस्टेंट अचार बनाएंगे, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। इसके दोनों तरफ से निकाल देंगे और पतले पतले टुकड़े में इसको काट लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करेंगे, क्योंकि इसको तुरंत खाना है, इंस्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसे भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। और इसे रोटी चावल दाल किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, पराठा के साथ भी अच्छा लगता है। तो सारा आम कट करके तैयार हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। अब इसमें डाल लेंगे कुछ मसाले, तो 1 टीस्पून हल्दी पाउडर कलर के लिए, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर तीखेपन के लिए, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए थोड़ा सा, 2 टीस्पून नमक डालेंगे, तो नमक थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि अचार है तो चटपटा थोड़ा होना चाहिए। और जो मसाला पीस कर रखे थे उसे पूरा का पूरा ही ऐड कर देंगे, जितना मसाला पीसे थे उसमें से 1 टीस्पून छुंदा में डाले थे, बाकी का सारा डाल देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर 1/2 कप सरसों तेल है, तो कोई भी अचार आप बनाएं तो सरसों तेल में ही स्वादिष्ट लगता है, बाकी आप जो खाना पसंद करते हैं डाल सकते हैं। 1 टीस्पून सरसों दाना, 1 टीस्पून कलौजी डाले हुए हैं, और 1/2 कप के करीब लहसुन है, इसको क्रश कर दिए हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखे हैं, बहुत ज़्यादा बारीक इसको पीसना नहीं है, बस हल्का सा इसको तोड़ दिए हैं। तो इस तरह से भून कर डालने से मसाले को, लहसुन और सारे जो डाले हैं, टेस्ट बढ़ जाता है इसका अचार का। तो आप इसी तरह से थोड़ा सा खौला करके ही डालें, 3-4 लाल मिर्च भी तोड़ कर डाल दिए थे, बाकी आपको तीखा पसंद ना हो तो थोड़ा सा मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा तीखा पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा लाल मिर्च का भी इस्तेमाल की थी, साबुत और पाउडर दोनों ही। अब सारे चीज़ को अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे और इसका कलर आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारा आया हुआ है, और खाने में तो पूछिए मत, एक्सीलेंट, बहुत ही स्वादिष्ट ये अचार बना था फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, क्योंकि मैं पूरी गर्मी ये थोड़ा थोड़ा करके बनाती रहती हूँ, सबको बहुत पसंद आता है, दाल चावल के साथ भी अच्छा लगता है और रोटी पराठा पूरी के साथ भी अच्छा लगता है। और इसे फ्रिज में रख करके 1 से 1.5 महीने तक आप अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे जो छुंदा बनाई हूँ ये भी ठंडा हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि पहले से काफ़ी थिक हो गया है, तो इसे भी एक कांच वाले जार में रखेंगे और इसे भी फ्रिज में रख करके आप 2 से 3 महीने तक इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड